क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल पाथ्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर तो अगर मैंने एक कंडक्टर बनाया इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन के पाथ बताने की इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा कैसा होगा सपोज मैंने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज मैंने ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन लिया ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा फिर कोलाइड करेगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एंड अगेन कोलाइड करेगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से और ऐसे कोलाइड करता रहेगा एंड दिस मूवमेंट इज़ ड्यू टू थर्मल एजिटेशन यहाँ पे जो उसका पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का ये थर्मल एजिटेशन की वजह से है इट इज ड्यू टू थर्मल एजुटेशन नो फोर्स एंड मूवमेंट इज ड्यू टू मूवमेंट इज ड्यू टू ओनली थर्मल एजुटेशन थर्मल एजुटेशन का मतलब क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू हीट सम अमाउंट ऑफ हीट थ्री बाई टू के टी ओके सो ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ हीट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन एंड ओवरऑल इनके मोशन की वजह से जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि जो नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ज़ीरो है इलेक्ट्रॉन का मोशन जो डिफाइंड नहीं है किसी एक पाथ की तरफ मूव नहीं कर रहे वो राइट सेकेंड केस में ये मेरा केस वन था सेकेंड केस में मैं क्या करता हूँ इनकेस टू मैं इसी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ ये मैंने कंडक्टर बनाया और अब इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ बैटरी के साथ कनेक्ट करने से क्या होगा कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो इलेक्ट्रॉन्स के होंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ एक्सेलरेट होने शुरू हो जाएंगे तो पहले भी थर्मल एजुटेशन की वजह से वो मूव कर रहे थे राइट थर्मल एजुटेशन की वजह से वो ऐसे स्ट्रेट जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है तो इस वजह से उन पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो एक फोर्स लग रहा है इधर थर्मल एजुटेशन की वजह से वहाँ जा रहे थे वो तो जो इनका पाथ होगा वो हो जाएगा कर्व तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स हमको पता है फोर्स ऑन अ चार्ज गिवन बाय क्यू ई क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी वजह से जो इसका पाथ होगा वो कुछ कर हो जाएगा यहाँ वो जा रहा था इस डायरेक्शन में वो जा रहा था ड्यू टू थर्मल एजिटेशन फोर्स लग रहा है इधर तो उसका जो पाथ होना चाहिए वो कुछ कर्व होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एक्जैक्टली इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा सो इट विल बी सम कर्व पाथ राइट सो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ सो उसका जो पाथ होगा वो कर्व होगा कुछ ऐसे सो so इस कंडीशन में लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक्सेलेटेड है एक्सेलेटेड है क्योंकि फोर्स लग रहा है देआर फोर पाथ विल बी पाथ विल बी कर्व इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं जैसे अगर मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया तो मैंने प्रोजेक्शन उसको इस डायरेक्शन में दिया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे और उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में तो उसका पाथ आप देख सकते हैं कैसे बनता है प्रोजेक्टाइल में कर्व पार्ट बनता है सेम चीज़ यहाँ पे है जब आपके पास वेलोसिटी uh, और फोर्स के बीच में कुछ एंगल होता है विच इज़ नॉट वन एटी एंड नॉट ज़ीरो तो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता ठीक है ना क्योंकि अगर मैं किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकूँगा तो फोर्स तो नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर है इस कंडीशन में थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है वन डिग्री तो पाथ कैसा होगा इसका स्ट्रेट लाइन सिमिलरली अगर मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और फोर्स भी नीचे की तरफ है अभी बात क्या होगा स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ जब थीटा ज़ीरो वेलोसिटी और फोर्स अगर उन दोनों के बीच का एंगल जीरो या वन एटी डिग्री होता है तभी आ, किसी बॉडी का पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी और फोर्स का जो एंगल है वो जीरो या वन एटी नहीं होगा हर इलेक्ट्रॉन के लिए तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं तो इसीलिए जो उसका पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कर्व होगा जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे थैंक यू